नमस्कार दोस्तों, मेरे पास है लेवर्ट का, जो हैवेल्स का ब्रांड है। इस समय विंडो एसी है डेढ़ टन का। तो दोस्तों, इस एसी के साथ ये वाला रिमोट मिलता है। दोस्तों, पूरी मैं वीडियो इस रिमोट के फंक्शन के बारे में बनाने वाला हूँ। बहुत से लोगों को इस रिमोट के फंक्शन के बारे में नहीं पता, और बहुत ही ऐसे हिडन फंक्शन है जो आपके काम के होने वाले हैं। तो वीडियो बहुत काम के होने वाली है, तो वीडियो को मैं बने रहे और वीडियो को अभी से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला फंक्शन है पावर ऑफ। बहुत अच्छे से जानते हैं सभी लोग, पावर ऑफ कर देंगे तो जाहिर सी बात है एसी ऑफ हो जाएगी। तो देखिए, ये एसी ऑफ हो गई है, मैं इसको ऑन कर देता हूं। इससे मैंने 24 पे टेम्परेचर सेट कर रखा है दोस्तों। देन जो फंक्शन आता है, हम नीचे स्टार्ट करते हैं फैन स्पीड। देखिए, अब मेरे ये डिस्प्ले भी देखते रहिए, जब मैं फैन स्पीड वाला बटन दबाऊंगा, देखिए इस समय इसका जो एसी है, यहां से आती हवा, इसमें एसी का जो फैन है वो 3 नंबर पे है। ये ऑटो पे, इसका एफ ए का मतलब होता है ये, इस समय एसी का फैन जो है वो ऑटो फंक्शन पे हो गया है। अब मैं देखिए, ये 1 नंबर पे, अब स्पीड थोड़ी हल्की हो गई है, देखिए बहुत हल्की हो गई है। अब 2 नंबर पे, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं जो एयर का ज्यादा फ्लो आए तो मैं 3 नंबर पे रखता हूँ। दोस्तों, दूसरा फंक्शन आया हमारा स्लीप मोड। जैसे ही हम लोग स्लीप मोड ऑन कर देंगे तो हमें ऊपर से टाइमर सेट करना पड़ेगा कि हमें 1 घंटे बाद इस एसी को बंद करवाना है, 2 घंटे बाद। इस यहां से हम लोग अप एंड डाउन का, यहां से टेम्परेचर का अप एंड डाउन का दे रखा है, तो यहां से अप एंड डाउन हो जाएगा कि 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद टाइमर को ऑन कर लें, फिर अप एंड डाउन हो जाएगा। ये देखिए, ये तीन, देखिए मैं ये क्या कर रहा हूँ, अप कर रहा हूँ, 4 घंटे बाद ये मेरी एसी बंद हो जाएगी। और हर घंटे इसका टेम्परेचर जो है वो एक बढ़ता, जैसे 4 घंटे बाद टेम्परेचर है इस समय 23 है, तो अगले घंटे 24 हो जाएगा, फिर 25, फिर 26, फिर 27, फिर 27 पे ये बंद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा फैन स्पीड, तो मैंने बता दिया मोड। दोस्तों, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके पहले ये मैं, आप लोग इसे जाने, मैं इसको स्लीप मोड इसका बंद कर देता हूँ और टाइमर भी इसका ऑफ कर देता हूँ। ये मैंने टाइमर ऑफ कर दिया है। सबसे पहले ये आता है मोड फंक्शन, इसको हम जैसे ही ओके करेंगे तो ये आता है CL लिखकर, इसका मतलब होता है कूल पे है हमारा, इस समय एसी कूलिंग कर रहा है। फिर देन हम दबाएंगे ये ड्राई। दोस्तों, ये फंक्शन बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। ड्राई का फंक्शन हमेशा हम लोग बरसात के मौसम में यूज करते हैं, जो हमारे घर में हमारे रूम में नमी हो जाती है उसको ये एब्जॉर्ब करता है, और हाँ, हमारी एसी ठंडी ही हवा फेंकती है। ड्राई का फंक्शन हम जब ऑन कर देते हैं तो हमारी एसी तो ठंडी हवा फेंकती है, एज इट इज वैसी चलती रहती है जैसे कूल मोड पे चलती है। बस इसका काम ये होता है, ये मॉइस्चराइजर यानी कि जो हम भाप है हमारे कमरे की, वो खींच कर बाहर फेंकता रहता है। फिर देन इसको दबाएंगे तो फिर आ जाता है फैन मोड। इस समय जो हमारा सीलिंग फैन होता है, जैसे ये इस समय मैंने बंद कर रखा, सीलिंग फैन की तरह ही हमारी ये एसी हवा देने लगता है, और इसकी स्पीड भी काफी तेज होती है। मैंने जैसे ही अपनी तरफ करा, देखिए मैं आपको माइक में सुनवा देता हूँ, आपको आएगी इसकी आवाज, तो सरसर की आवाज, बहुत तेज स्पीड से आ रही है। मैं इसका ऊपर कर दिया है। इसमें बस 3 ही फंक्शन होते हैं, एक कूल का, देखिए आप पढ़ सकते हैं, कूल का, ड्राई का और फैन का। तो मोस्टली लोग कूल पे चलाते हैं, ड्राई का भी फंक्शन आप यूज करके देखिए, वो भी आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। नेक्स्ट आता है एनर्जी सेविंग। बहुत सी एसीज में एनर्जी सेविंग का बटन होता है, तो जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो ES, E का मतलब एनर्जी और S का मतलब सेविंग। तो ये ऑटोमेटिक एसी जो है, इसकी फैन स्पीड हो जाती है ऑटो पे, और इसकी जो टेम्परेचर है वो हो जाता है 24 पे, और ये आपकी एनर्जी बचाता है। दोस्तों, एनर्जी सेविंग का बटन होता है एनर्जी को बचाना, और ये स्पीड अगर आप इसका टेम्परेचर अप एंड डाउन करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बताएगा कि हमारा इस समय एनर्जी सेविंग मोड पर एसी कर रखा है। नेक्स्ट बटन आता है दोस्तों टर्बो। ये लेवर्ट के एसी में, जैसे सपोज करिए कि मैं अपने घर से बाहर गया हूँ, इस समय सब वहां से टर्न ऑफ कर दिया मैंने एसी को, और जब मैं आके रूम में एसी खोलता हूँ तो हमारा एसी 3 से 4 मिनट बाद ऑटोमेटिक ऑन होता है, और लेकिन हमें बहुत तेज गर्मी लग रही है तो हम इस टर्बो बटन को दबा देंगे तो इसका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। देखिए, कंप्रेसर इसका ऑन हो चुका है। टर्बो बटन का मतलब है कि एकदम सडनली अगर आपको इसका कंप्रेसर ऑन करना है, कूलिंग कर रही है रूम में, तो आप इसके टर्बो को बटन को दबाएं और कंप्रेसर ऑन हो जाता है। वैसे कंप्रेसर नॉर्मली ऑन होने के लिए 3 से 4 मिनट लेता है। देन आता है आपका, ये लिखा हुआ है आपका 1 आवर ऑफ, इसको हम दबा देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा एसी जो है वो 1 घंटे बाद बंद हो जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि स्लीप मोड पर चला गया है, और 1 घंटे बाद ऑटोमेटिक, अगर आपको नींद तेज आ रही है और आपको लगता है कि रूम ठंडा हो जाएगा 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों फंक्शन आता है इसका स्विंग। इसके अंदर जो घूम रही है पट्टी, देखिए ये आपको दिख रही होगी, ये इस समय मैंने ऑटो पे स्विंग पे कर रखा है,
ये जब इसको दबा देंगे तो ये यहीं के यहीं रुक जाएगी, अभी घूमेगी नहीं, और इसको दबा देंगे बटन को तो ये ऐसे ऐसे लेफ्ट और राइट करेगी, टिल्ट करेगी लेफ्ट और राइट। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर का अप एंड डाउन करने का। देखिए ये मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ और इससे टेम्परेचर आप बढ़ा सकते हो। और स्विंग मैंने बता दिया। टाइमर, टाइमर जो काम करता है वो करता है आपका स्लीप मोड के साथ। तो दोस्तों यही आप जो एसी में बटन दे रखे हैं, अगर सपोज करो कि आपका रिमोट नहीं है तो आप टोटली विंडो एसी में टोटली बटन जो हमारे एसी के रिमोट में दे रखे हैं वो यहाँ पर भी सारे फंक्शन दे रखे हैं। देखिए यहाँ एयर स्विंग कर सकते हैं आप, मोड चेंज कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो एसी को। देखो मैं इस समय ऑफ कर दी तो अब मैं ऑन कर दे रहा हूँ। फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेचर को अप एंड डाउन कर सकते हो, और एनर्जी सेविंग के मोड पर भी इस समय एसी को लगा सकते हो। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की विंडो, अगर आपके पास एसी हो, किसी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर पूछें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस सवाल का जवाब दे पाऊं। इस समय मेरे पास जो है वो लियोट का हैवल्स ब्रांड का विंडो एसी लगा हुआ है। बहुत बढ़िया एसी है, बहुत अच्छी कूलिंग करता है। मैंने सोचा कि आपके फायदे के लिए एक वीडियो बनाई जाए तो मैंने वीडियो बना दी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने जो भी जानने वाले उनको शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको किसी तरह की और भी वीडियो बनवानी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।